बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर हिंसा पर। बड़ी खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया। स्वतः संज्ञान लिया मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बिना किसी के सुप्रीम कोर्ट जाए इस बात का संज्ञान लिया इस पूरी घटना का। न्यूज 18 के विक्रांत यादव इस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें। विक्रांत से बात करते हैं। विक्रांत जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और इस मामले की कल सुनवाई होने की पूरी संभावना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा था उस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है। जो खबरें लगातार मीडिया में आ रही थी और जो इस मामले की अभी तक की सूचनाएं चल रही थी उसको कोर्ट ने संज्ञान में लिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और जो अभी हमें जानकारी मिल रही है किशोर की कोर्ट की कोज लिस्ट में भी ये आ गया है, यानी कल सुबह इस मामले को कोर्ट सुनेगी। कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया और जो भी संबंधित पक्ष होंगे उनको नोटिस भी जारी करके कोर्ट पूछ सकता है कि आखिर इस मामले में अभी तक क्या किया गया है। लेकिन ये स्वतः संज्ञान लिया है कोर्ट ने, खुद सेल्फ कॉग्निजेंस लिया है इस मामले में और कल इस मामले की सुबह 10:30 बजे कोर्ट में सुनवाई होने की पूरी उम्मीद है। तो ये बताइए कि अब जो बाकी जो SIT और जो जांच उधर चल रही है उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए उस मामले में अभी सर इसलिए नहीं पड़ेगा किशोर क्योंकि अभी कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। कोर्ट के सामने जब तमाम पक्षों को नोटिस जारी होगा, उत्तर प्रदेश सरकार को, यूपी प्रशासन को, सरकार को, तो वो लोग बताएंगे, जानकारी अपने बारे में देंगे कि अभी तक इस मामले में क्या किया गया है। क्योंकि आधिकारिक रूप से अगर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है तो कोर्ट इस मामले को सुनेगी भी और जब कोर्ट इस मामले में नोटिस जारी करेगी तो सरकार की तरफ से बताया जाएगा, राज्य सरकार की तरफ से, कि इस मामले में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं और किस तरीके से SIT और बाकी जांच एजेंसियां बनाई गई है। हालांकि उस पर क्या कोर्ट का रुख रहता है ये कोर्ट की सुनवाई के बाद ही साफ होगा। शुक्रिया विक्रांत।